आज सुनने में आया माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में उनकी अर्धांगिनी भावुक होकर रो रही थी, एक स्त्री की रोने पर हम लोग कटाक्ष नहीं करेंगे, उनकी रोना को हम लोग भी समझते हैं क्योंकि हम भी एक शहीद पिता की संतान है। और मेरी माता उस समय मात्र 28 वर्ष की थी जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास शहादत हुआ था। यानी एक स्त्री की व्यथा को मैंने देखा है, समझा है, लेकिन इस बात का तकलीफ है कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री पूर्व उनकी अर्धांगिनी झारखंड के दुख दर्द पे नहीं अपने निजी दुख दर्द पे रो रही थी, इस बात की तकलीफ है। अगर ठीक है यदि आपके पतिदेव आज जेल चले गए, कल वापस आएंगे और शायद मुख्यमंत्री भी बनेंगे, लेकिन क्या आप उत्तर देंगे? क्योंकि आप उसी सरकार का अंग हैं, उसी सरकार के अंग थे। शहीद सुनील महतो, उनका मर्डर हुआ है, बताइए एनआईए जांच कब करेगी आपकी सरकार? अरे आपके पति जेल गए तो आपको तकलीफ हुई, हम उस तकलीफ में आपके साथ हैं, लेकिन बताइए उनका मर्डर हुआ है, आपकी पार्टी का है और आपके मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं मिलता है, 5 किलोमीटर तो मुख्यमंत्री का घर है, समाधि स्थल नहीं जा पाए, क्यों झारखंड सवाल नहीं करेगा? अगर रोना है तो रोने पर भी इंसाफ हो। यदि मोह दया का रोना इसलिए कि उनके पति जेल में गए हैं तो जो इस दुनिया में नहीं उनकी आंसू का हिसाब कौन करेगा? शहीद सुनील महतो की पत्नी का जो विलाप है उसे शांत कौन करेगा? एनआईए जांच की अनुशंसा राज्य सरकार केंद्र को कब भेजेगी, उस इंतजार में है। आज 90 साल की बूढ़ी माँ है सुनील महतो की, आज इंतजार में रहती है कि टुसू का मेला हर साल लगे, उस मेला में 50,000-1,00,000 रुपया बचता है, उस पैसे को सुनील महतो की माँ को दिया जाता है घर चलाने के लिए, एक सांसद का यह दुर्भाग्य है राज्य में। और आप केवल इसलिए रो रही है क्योंकि आपके पति कुछ दिनों के लिए जेल गए, आपकी सहानुभूति में साथ है, झारखंडी होने के नाते उनके विचारों से हमारी लड़ाई है, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको इस बात को भी याद रखना होगा इसी राज्य में आप ही के पार्टी के सांसद की एक नहीं महोदया 12 गोलियां तंदन आदन सीने में उतारी गई है, उस पर आंसू कब भाएगा, ये सवाल पूछता है झारखंड। 12 गोली शहीद सुनील महतो की चौड़ी छाती में, पारसनाथ से भी मजबूत छाती में एक नहीं एक दर्जन गोलियां दागी गई थी, उसका हिसाब कौन लेगा? उस शहादत का हिसाब कौन लेगा? क्या उत्तर है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आज वर्तमान में सरकार है, और ये उछल कूद करने वाले विधायक, इनके पास क्या उत्तर है? लोकतंत्र के मूल्यों की अवहेलना करने वाले माननीय श्री सुदीप सोनो जी, एक बात स्पष्ट कहेंगे, आप बहुत ही पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति हैं। पहला बात, बायस नेचर के लोग तो राजनीति में होने नहीं चाहिए, राजनीति में संतों को आना चाहिए, तो सामने बैठकर अगर आप गाली दें वो स्वीकार करना जाने, ऐसे लोगों को राजनीति करनी चाहिए। आज आपने पीर टाण सुनिए सोनो जी, जब गिरिडीह सदर ने आपको धुतकार दिया था, सुनिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नुनु सोनो जी, जब गिरिडीह सदर ने 2 बार हारे थे ना, गिरिडीह सदर में 2 बार पानी पानी हुए थे, यही निर्भय सदाबदी जो आपके साड़ू हैं, जिनके साथ आपका व्यापार चल रहा है, 2 बार उठा के पटका था, पानी पानी हो गए थे सोनू जी, तो पता है किसने आपको वोट देके जिताया था? पीर टाण की धरती ने, याद रखिएगा। अरे आपको गिरिडीह ने पूछा भी नहीं था, सुनिए सोनू जी, गिरिडीह ने आपको पूछा नहीं, आपको छूछा बनाया था गिरिडीह ने, आपको पीर टाण ने प्यार दिया, दुलार दिया, और बदले में आपने क्या दिया? एफआईआर दिया है, नक्सली बनाने की धमकी देते हैं, तो कसम से याद रखिएगा, मरना तो सबको है, पागल मत कीजिएगा, नहीं तो जिस दिन पगला गए ना, पगला गए ना, एक एक पाई पाई का हिसाब लेंगे। पीर टाण तो छोड़िए, एक गांव भी घुसने देंगे सोनू जी, एक गांव नहीं घुसने देंगे, बहुत बड़ा सरकार का नोनो बन के बैठे हैं, एक गांव नहीं घुसने देंगे पीर टाण का, मजाक समझ लिए क्या? केस करेंगे, चुन चुन के केस करेंगे, अरे घंटा कर लेंगे केस से।
घंटा की जगह केस करके, यहाँ सूरज मरेगा, चंदा मरेगा, पृथ्वी मरेगी, फिर 5 मिनट का इंसान क्या है? आप भी अगर केस की धमकी हुई ना सोनू जी, माननीय श्री श्री विधायक जी, कसम से केस हमारा थाना में होगा, लेकिन बाकी सुन लीजिए, आपके सर का केस नहीं रहेगा। केस करने की धमकी देते हैं, सरकार के गोद में बैठे हैं। अरे कितनों गोद में बैठी है, सरकार आपको दलाली ही करवाएगी, मंत्री तो बसंत सोरेन को ही बनाएंगे। सुनिए श्री सुदीप कुमार सोनू जी, आदरणीय बड़े भाई, बिल्कुल बड़ा भाई है आप, ये जो दलाली कर रहे, चमचई कर रहे, कुछ भी कर लीजिए, घंटा मुड़िया पटक दीजिए, ठेके साज दे, ठेके में मुड़ी साज दे ना रे सोनू दा, विधायक बन के रहे, विधायक मंत्री बन लो के, बताओ बसंत सोरेन, कल सीता सोरेन, परसों कल्पना सोरेन, ओकर बाद ओकर बेटियन बन तो, लेकिन तोरा ना पूछ तो ले, केस करते हैं, केस क्या करते हैं जी, पुलिस आपका, प्रशासन आपका, गोली मरवा दीजिए, केस क्या करते हैं, आप तो राजा है ना, सरकार आपकी है, केस क्या करते हैं, गोली मरवा दीजिए, बायस नेचर के आदमी कहीं के, मन पापा सब कहीं के, लोकतंत्र के बात करते हैं अखनी, बेशरम सब कहीं के, और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आप गठबंधन के हिस्सा लगे, और गठबंधन के सबसे बड़ा नेता पंडित नेहरू के पढ़ल लगाए, और बात करते लोकतंत्र के, अरे नाय पढ़वे ले, आओ क्लास देबो, आओ क्लास देबो, आओ क्लास देबो, लोकतंत्र के बात करते सवाल कहे में करतो, सबसे ज्यादा वोट फिर तैन दे लो, सबसे ज्यादा वोट फिर तैन दे लो परसेंटेज में, सवाल करते पेट में दर्द भई गेलो, तखन की लगे लगे घुर घुर भटवा मांगे जाने जी, तन भटवा लिए मजा लगलो, अभी सवाल करो तन सजा लगलो, ने भटवा लिए मजा लगलो, तखन गिरडी गेलो के लात मारलो, तीन दौड़ के गेलो फिर तैन, ठीक लो बोका लो बोने रहे वाला दे भटवा, भटवा दिए मजा लग गेलो, विधायक बन गेले बड़का हिया, लोकतंत्र के बात करे वाला, आलोचना से शक्ति नहीं, सुने के शक्ति नहीं, केस कर में एक ओक्का है, गोटे पीरे टाइट के केस कर दी, इसलिए सीधा संदेश देंगे विधायक जी, सुन विधायक सुन, कनवा में कड़वा ना है, हेनरिक तेल लगा के सुन, और ऐसे भी सबसे ज्यादा भाषण हमार तो ही सुनने हैं, नुकाय नुकाय सुनने हैं, बिना फॉलो करके बिना सब्सक्राइब करके सुनने हैं, हाँ बिना सब्सक्राइब बिना फॉलो करके सुनो, हमारा रिपोर्ट है, रोज आज तो एकदम पहले हम मुख्यमंत्री के हुआ सही थे, कहते छोड़े की गले देखाओ, आज तो कसम से अगर हालत खराब, आज सुन ले, अब पहला बात धोनी का स्पष्ट का वो, अबरी यदि कोई जात और धर्म के नाम पे वोट मांग तो एकदम सीधा चेती हो, यहाँ जितना भी जान बैठल है सब कोई कोनो कोनो धर्म के माना है, कोई सनातन के माना है तो कोई इस्लाम के माना है, कोई सरना के माना है, कोई सिख के माना है, कोई ईसाइयत के माना है, आज हर एक धर्म में दान दिए के बात कहल गेल है, यदि इस्लाम के बात करबे तो जकात के व्यवस्था है।